एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम फल कथन की सीरीज में बात करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। जो भी शास्त्रों में सूत्र बताए गए हैं, ज्योतिष के जो सूत्र हैं, नियम हैं, उसके अनुसार हम मेष लग्न में आज हम बात करेंगे मेष लग्न की, कि मेष लग्न में पंच महापुरुष योग कैसा बनता है और उसका क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो हम बात करना शुरू करेंगे कि आप जो मेष लग्न के जो जातक और जातिका हैं, अपने कुंडली में देखें कि एक नंबर जो है लग्न है वो मेष लग्न कहलाता है। जहाँ एक नंबर राशि लिखा और लग्न लिखा है आपके कुंडली में, तो मेष लग्न हो गया। तो मेष लग्न में जो योग यहाँ हम दिखा रहे हैं वो रुचक योग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी मंगल ग्रह है अपनी सौ राशि में होगा या वो उच्च का होगा या मूल त्रिकोण में होगा तो वो रुचक नामक योग बनाएगा, और वो भी केंद्र में होना चाहिए। तो केंद्र जो बोलते हैं वो पहले भाव को, चौथे भाव, सातवें, दसवें भाव को बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले भाव में मंगल है तो ये केंद्र भाव हो गया, यहाँ सौराशि का हो गया तो ये रुचक नामक महापुरुष योग बन गया है। तो अब ये महापुरुष योग का बनने से जो भी जातक और जातिका है उसके लिए क्या फल देगा वो उसकी हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो जब भी ये योग बनता है तो उसमें यह देखना चाहिए कि मंगल की जो डिग्री ग्रह है वो अच्छी होना चाहिए, मंगल बलवान होना चाहिए। तो पहली तो ये देखना चाहिए वो सूर्य वगैरह से आपकी कुंडली में अस्त वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मंगल सौगरी हो गया है तो ये रुचक नामक जो महापुरुष योग है, पंच महापुरुष में से एक योग बनता है तो ये होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि हमने जैसा बताया कि सौ राशि क्या है, एक नंबर आठ नंबर की सौ राशि कहलाती है, परंतु यहाँ केंद्र में एक नंबर की राशि है इसलिए मेष लग्न में ये लग्न में बना हुआ रुचक योग बन गया है। इसके लिए अगर इस तरह का ये जो लग्न है वो अपना व्यक्तित्व तो होता है, तो ऐसा व्यक्तित्व तो जो बन गया वो हिम्मतशाली हो गया, वो शक्तिशाली हो गया, पराक्रमी हो गया, निडर हो गया है, और उसमें एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा होगी, अत्यधिक ऊर्जा होगी, और जो अपनी सकारात्मक जो ऊर्जा यहाँ प्राप्त होती है उसको अपनी लगाता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा साहसी कार्यों में हमेशा आगे रहता है और उसे शत्रु से भय नहीं रखता है। तो इस तरह के जो योग बनने के कारण व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी मजबूत होती है, और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो है वो तरुण दिखता है हमेशा, इस योग कम प्रधान होता है और मेहनती होता है। तो इस तरह के योग बनने से व्यक्ति को हमने बताया कि ये बलवान होगा, सिलवान, गुणवान, विद्वान, धनवान और दीर्घायु होगा। और इसका जो खेलकूद विभाग से अगर उसका संबंध बनता है या मिलिट्री से या पुलिस से में इनका संबंध बनता है और अच्छे पद पे प्राप्त होते हैं। तो आज हमने जो बात की कि किस तरह से मेष लग्न के जो जातक हैं और जातिका हैं, अगर कुंडली में इस तरह का योग आपके बन रहा है तो जो हमने फल कथन कहा है, जो फल बताए हैं शास्त्रों के अनुसार बताए हैं, तो वो आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आज हमने बात की कि पंच महापुरुष योग जो मेष लग्न में बनता है वो किस तरह से देखा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मेष लग्न में और कौन से महापुरुष योग बन सकता है, तो उसके लिए हमारा आगे का वीडियो जरूर देखिए, इसके बाद वाला वीडियो भी देखिए। तो आज आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपको जैसे अपलोड होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी और आप वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको आप जब ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हमने जो बात की है पंच महापुरुष योग जो मेष लग्न में बन रहा है, अभी यहाँ मंगल की दृष्टि यहाँ से चौथे भाव पे है, तो चौथे भाव के जब सुख जो भी सुख होते हैं वो सब प्राप्त होंगे, अर्थात आपको
जमीन जायदाद मकान वगैरह और माता से सुख प्राप्त होगा, यही इस दृष्टि इसके सप्तम भाव में है, तो वैवाहिक सुख का जो है वो अच्छा रहेगा। और यह दशम भाव पे दृष्टि है तो कर्म क्षेत्र में के जो भी कर्म क्षेत्र का जो भी पॉजिटिव फल है वो अच्छे फल प्राप्त होंगे, अर्थात जहाँ जहाँ इसके दृष्टि है यह चौथे भाव पे है, सातवें भाव पे है, आठवें भाव पे, दसवें भाव, तो उससे रिलेटेड जो भी अच्छे फल हैं वो सब प्राप्त होंगे उस भाव से संबंधित। उसमें यह रहेगा कि जिस भाव पे दृष्टि डाले और उनके और वो जो राशि बन रही है उसके, जैसे यहाँ चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना चाहिए, यहाँ शुक्र अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और यहाँ पे जो है शनि अच्छी स्थिति में होगा तो उसके फल में बढ़ोतरी कर देगा। तो इस तरह से आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और साथ साथ में अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन परामर्श भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।